जमीन से उड़ते समय पूरी शक्ति लगाते हैं और फिर जब पेड़ों से ऊपर चले जाएं तो अपने पंख फैला लेते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने पंख ऊपर नीचे करते हैं। ये तो बहुत आसान है, इस बार तो मैं उड़ लूंगा। मम्मा देखना, मैं आपसे ज्यादा ऊंचाई पर जाऊंगा। वो मम्मा चिड़िया अपने बेटे को ऐसे उड़ना सिखा रही थी। चिड़िया का बेटा कुकू अभी छोटा था। मम्मा चिड़िया को चिंता थी कि वो जल्द से जल्द उसे उड़ना सिखा दे। मम्मा मैं एक और ट्राई करूं? अगर महसूस हो कि आप नीचे गिर रहे हो तो नदी की दिशा में ना जाना, किसी पेड़ पर बैठ जाना। फिर चिड़िया का बेटा आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर उड़ता है। इस बार वो काफी बेहतर उड़ रहा था। वो पेड़ से ऊपर चला जाता है। मैंने कर लिया, उड़ने में तो बहुत मजा आ रहा है, आज मम्मा बहुत खुश होगी। छोटा कुकू ऐसे उड़ता उड़ता पेड़ों की दूसरी ओर चला जाता है। आज मेरे बेटे की पहली उड़ान है। मेरा बेटा उड़ता हुआ कितना सुंदर लग रहा है। अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है। चिड़िया ऐसे खुश से बातें कर रही थी। वो ये ना जानती थी कि उसकी ये खुशियाँ ज्यादा देर रहने वाली नहीं है, क्योंकि झाड़ियों में छुपा हुआ शिकारी उस पर नजर रखे हुए था। शिकारी अपना तीर चलाता है। चिड़िया की किस्मत में शायद यही कुछ था। निशाना ठीक चिड़िया के सीने में लगता है और चिड़िया अपने सारे सपने, अपनी सारी खुशियाँ, वो बातें जो वो अपने बेटे से करना चाहती थी, साथ ही अपने दिल में लिए मर जाती है। मैं पीछे से जाकर मम्मा को डरा दूंगा और फिर खूब हंसूंगा। मम्मा को तो विश्वास ही नहीं आएगा जब मैं दूसरी दिशा से जाकर मम्मा को दिखाऊंगा। चिड़िया का बेटा अपने मन में ऐसे सोचते हुए वापस लौटता है। मम्मा मम्मा मैं आ गया। परंतु जैसे ही कुकू अपनी मम्मा को छूता है, उसकी मम्मा तो खून से भीगी पड़ी थी। मम्मा, ये आपको क्या हो गया? मम्मा, आपकी ये चोट कैसे आ गई? मम्मा, बोलो ना मम्मा। देखो मैंने उड़ना सीख लिया है, आप मुझे ऐसे उड़ना देखना चाहती थी ना? मम्मा देखें। उसकी मम्मा कैसे जवाब देती? उसे तो उस जालिम शिकारी ने इतना समय भी ना दिया था कि अपने बेटे से कोई आखिरी बात ही कर सके। शाम हो जाती है। कुकू शाम तक बैठा अपनी मम्मा के पास ही रोता रहता है। फिर एक बूढ़ी फाख्ता का गुजरते हुए कुकू पर ध्यान जाता है। वो बूढ़ी फाख्ता कुकू के पास आती है। बेटे क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? मार दिया, मेरी मम्मा को जालिम शिकारी ने मार दिया। आज मैंने पहले दिन उड़ना सीखा था, परंतु मेरी मम्मा मुझे उड़ता ना देख सकी। बेटा चुप कर जाओ, अगर ऐसे रोते रहोगे तो जिंदगी का ये सफर कैसे कटेगा? हम मम्मा पापा को तो एक ना एक दिन अपने बच्चों को छोड़कर जाना ही होता है, कोई पहले तो कोई बाद में। ये संसार बहुत जालिम है। बेटा शाम हो गई है, आप अपने घर चले जाएं, क्योंकि यहाँ हर तरफ खतरा ही खतरा है। अपनी माँ के बिना जीने का हौसला पैदा करो, अब आपकी मम्मा कभी लौट कर नहीं आएंगी।
फिर बूढ़ी फाख्ता भी चली जाती है और कुकू भी रोता हुआ अपने घर चला जाता है। रात को कुकू को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि आज ऐसा पहली बार था कि वो घर में अकेला था। वो तो अपनी मम्मा के पंखों में छुपकर सोता था। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी मम्मा का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। फिर वो फूट फूट कर रोने लग जाता है। मम्मा मम्मा मेरी मम्मा, मुझे नींद नहीं आ रही। मम्मा मेरे चोट लग जाती, आपको कुछ ना होता। मम्मा मेरे पास आ जाओ। जंगल के सन्नाटे में उस छोटे चिड़िया के बच्चे की रोने की आवाज दूर दूर तक जा रही थी, परंतु कोई भी उसे पूछने नहीं आता कि वो क्यों रो रहा है। वो लंबी रात खत्म हो जाती है और कुकू भी कुछ संभल चुका था। वो ये जानता था कि जिंदा रहने के लिए सबसे पहला काम उसे भोजन की खोज करना सीखना है। कुकू अपने पड़ोसी कालू कौवे के घर की तरफ उड़ता है। चुप हो जा कुकू, चुप हो जा। हमें रात को ही पता चल गया था कि आपकी मम्मा मर चुकी हैं। भूख लगी होगी बेटे, ये लो ये दाना खा लो। मैं भूखा तो हूँ, परंतु आंटी मैं आपके पास भोजन मांगने नहीं आया। मैं तो इसलिए आया हूँ कि मुझे भोजन की खोज नहीं आती। आप मुझे अपने साथ ले जाएं ताकि मैं भी सीख सकूँ कि भोजन कहाँ से मिलता है। कुकू की ये बात सुनकर गौरी से पहले कालू कौवा बोलता है। कुकू तुम अभी छोटे हो, हमें तो भोजन लेने दूर दूर तक जाना होता है। हम तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। अंकल मेरी मम्मा ने मुझे उड़ना तो अच्छे से सिखा दिया था। उड़ने की बात नहीं है, हम जानते हैं तुम्हें उड़ना आता है। हमारी रफ्तार तेज है और आप हमारे साथ नहीं उड़ सकोगे। आप ऐसा करें, कबूतर के पास जाएं, कबूतर आपको साथ ले जाएगा। हाँ, या फिर तोता, तोता भी तुम्हारी तरह आहिस्ता आहिस्ता ही उड़ता है। कुकू कुछ बोले बिना वहाँ से कबूतर की तरफ चला जाता है। कबूतर तो घर पर ना था, उसकी पत्नी घर पर ही थी। आंटी अंकल कहाँ हैं? वो तो भोजन लेने गए हुए हैं। कुकू बेटा आपको क्या काम था अपने अंकल से? आंटी मैं भी अंकल के साथ भोजन की खोज करना चाहता था। कुकू बेटा आपकी मम्मा ने आपको अभी तक भोजन की खोज नहीं सिखाई थी? नहीं, मेरी मम्मा खुद ही भोजन ले आया करती थी। मम्मा मुझे साथ नहीं लेकर जाती थी। कुकू बेटा आपके अंकल तो बड़े हैं और आप छोटे हो। आपको शायद ये नहीं पता कि हम कबूतर आसमान की ऊंचाई में उड़ते हैं और हम ऊंचाई से ही भोजन देख लेते हैं। आप इतनी ऊंचाई तक नहीं उड़ सकोगे, कौवे के पास जाना था। कुकू खामोश रहता है और वहाँ से चला जाता है। मुझे बहुत दुख हुआ बेटा आपकी मम्मा का सुनकर, परंतु बेटा हम तोते तो लाल मिर्ची खाते हैं और वो आप खा नहीं सकते हो, वो तो बहुत कड़वी होती है। तो अंकल आप मुझे साथ ले जाएं, आप लाल मिर्ची खा लेना और मैं अपना दाना ढूंढ लूँगा। बेटा मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं लाल मिर्ची किसान के खेत से चुरा कर खाता हूँ। अगर आप साथ होगे तो हम पकड़े जाएंगे और किसान बंदूक चला देगा। ऐसा कहते हुए तोता वहाँ से उड़ जाता है। बूढ़ी फाख्ता जो पीछे बैठी उनकी बातें सुन रही थी कुकू के पास आती है। बेटा मैंने आपसे कहा था ना कि ये जंगल बहुत जालिम है। एक इंसान ही नहीं, सबको अपनी अपनी चिंता है। सबका घर परिवार है, किसी का अपना पेट पूरा भरेगा तो फिर ही आपकी बात सुनेगा।
ये सब तो मेरी मम्मा के दोस्त है। क्योंकि आपकी मम्मा से इन सब को लालच था, सब आपकी मम्मा से भोजन मांग कर खाते थे और अब आप इन्हें कोई फायदा नहीं दे सकते हो, इसलिए अब कोई आपको साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं है। ये जंगल सबका है, अगर ऐसे ही डरते रहोगे तो भूख से मर जाओगे। चलो मेरे साथ चलो। फिर वो बूढ़ी फाख्ता जो ज्यादा तेज तो ना उड़ सकती थी, कुकु को अपने साथ लेकर भोजन की खोज में चली जाती है। प्यारे दोस्तों, माता पिता के बिना जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, इसलिए अपने माता पिता से प्यार करो और उनकी इज्जत करो। जंगल में बरसात शुरू थी। बरसात कई दिनों से चल रही थी, इसलिए अब पक्षियों के घर जो भोजन था वो खत्म हो चुका था, इसलिए सारे ही पक्षी भोजन को लेकर परेशान थे। कबूतर यार, अच्छा हुआ तुम मेरी तरफ आ गए, मैं भी आपके पास आने ही वाला था। क्या हुआ तोते, आप क्यों मेरे पास आने वाले थे? मेरे घर में सारा भोजन खत्म हो गया है, भूख सता रही थी, मैंने सोचा कि शायद मुझे आपसे कुछ खाने को मिल जाए। क्या बताऊं तोते, मैं तो कल से भूखा हूं, अगर मेरे घर में कुछ खाने को होता तो ऐसी बारिश में मैं आपके पास ना आता। तो फिर क्या अब हम भूख से मर जाएंगे? नहीं, हम कोशिश करेंगे, हम जिंदा रहने के लिए उड़ेंगे, हम भोजन की खोज में जाएंगे। परंतु कबूतर, ऐसी बारिश में भोजन की खोज करना बहुत मुश्किल है, हम चिड़िया के पास जाते हैं, हो सकता है चिड़िया बहन से हमें कुछ खाने को मिल जाए। ऐसे तोता और कबूतर चिड़िया की तरफ जाते हैं। चिड़िया बहन, प्लीज एक दाना ही दे दें, मैं बहुत भूखा हूँ। मैं क्या करूँ, मेरे भी दो बच्चे हैं, जो भोजन था मैंने अपने दोनों बच्चों को खिला दिया, मैं तो खुद भूखी हूँ। वो सामने एक दाना जो पड़ा है, वो मैंने अपने बच्चों के लिए रखा हुआ है, उन्हें आधा आधा करके शाम को दूंगी। तो फिर मैं मर जाऊंगा भूख से। फिर चिड़िया को कौवे पर दया आती है और चिड़िया वो एक दाना जो उसने अपने बच्चों के लिए रखा था कौवे को दे देती है और कौवा वो दाना खा लेता है और चिड़िया के घर पर दस्तक होती है। अब ऐसी बारिश में कौन होगा? कौन कौन है बाहर? मैं हूँ कबूतर और मेरे साथ तोता भी है। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलें। हम भूखे हैं, कुछ भी खाने को नहीं मिला, यही सोचकर हम आपके पास आए हैं कि शायद हमें आपसे कुछ खाने को मिल जाए। लो जी, ये भी भूखे हैं, ऐसी बारिश में तुम्हें कौन भोजन देगा तोते? दोस्तों, मेरे पास तो केवल एक दाना गेहूं का था जो कौवे ने अभी अभी खा लिया है, मैं भी भूखी हूँ और मुझे शाम की फिक्र हो रही है कि शाम को मैं अपने बच्चों को क्या दूंगी खाने में। चिड़िया बहन, बहुत मुश्किल है, परंतु अगर हम हिम्मत करें तो हम जंगल के ऊंचे इलाके से भोजन की खोज कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ जाएं तो मैं भी जाना चाहूंगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती, परंतु मेरे बच्चे अकेले बारिश में डरेंगे और इन्हें मैं साथ भी तो नहीं लेकर जा सकती। चिड़िया बहन, मैं आपके बच्चों के पास बैठ जाता हूँ और आप तोते और कबूतर के साथ चली जाएं, परंतु आते हुए मेरे लिए भी थोड़ा सा भोजन लेती आना। चिड़िया मान जाती है। ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद तुम अपने घर चले जाओ और मेरे बच्चे बिजली की गरज से डरते रहें। आप चिंता ना करें, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, परंतु मेरा भोजन याद रखना। फिर ऐसे चिड़िया, कबूतर और तोता तेज बारिश में अपने और अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए घर से निकल जाते हैं। ये घोंसला तो बहुत आरामदेह है, मैं थोड़ा सा सो लेता हूँ। वो सब दोस्त बहुत मुश्किल से उड़ रहे थे, वो साथ थे इसलिए वो एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा रहे थे। ऐसे हालात में हम कौन सा पहली बार आए हैं, हम पक्षियों की जिंदगी तो ऐसी ही है।
फिर वो उड़ते उड़ते पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। बाकी जंगल में तो हर दिशा में पानी ही पानी था। केवल पहाड़ों के पास पास जो इलाका ऊंचाई पर था वही बारिश के पानी से बचा हुआ था। उन्हें एक जगह कुछ चावल के पौधे नजर आते हैं। वो सीधे वहां जाते हैं। ये कौन पक्षी यहाँ आ गए हैं? अगर इन्होंने ये चावल के दाने खा लिए तो मुझे भूखा रहना पड़ेगा। मैं इन्हें यहाँ से भगाता हूँ। ऐसा सोचते हुए वो उल्लू अपनी गुफा से बाहर निकलता है। ठहरो, चूँच ना लगाना इन चावल के पौधों के। तुम सब जानते हो कि मैं इस गुफा में रहता हूँ और मेरे घर के आसपास का सारा भोजन मेरा है। उल्लू जी, हम बहुत भूखे हैं और अब तो हमारे पेट में भूख से चूहे भी दौड़ दौड़ कर थक गए हैं। कृपया करें, हमें ज्यादा ना सही थोड़े से ही चावल दे दें। हमारे बच्चे भी भूखे हैं। तो मैं क्या मर जाऊं? बरसात न जाने कब तक चलेगी और इन चावलों के सहारे ही तो मैं जिंदा हूँ। आप यहाँ से थोड़ा आगे जाएं, वहाँ आपको मकई के कुछ पौधे मिल जाएंगे। आप वहाँ से कुछ मकई ले लें। उल्लू जी, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, परंतु एक समस्या है। वहाँ एक चील रहती है, वो मकई उस चील की है। पूछना पड़ेगा आपको उस चील से, फिर ही आप वहाँ से कुछ मकई ले सकोगे। वो सब फिर से उड़ते हैं। हमें अब चील के पास जाकर बुद्धि से काम लेना होगा, ऐसे वो चील हमें मकई नहीं लेने देगी। वो मकई के पौधों के पास पहुंच जाती हैं। पक्षियों, मेरे मकई के पौधों को पंख न लगाना। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ और मांस खाना मैंने छोड़ दिया है। ये मकई मैंने अपने लिए रखी हुई है। वो सब बूढ़ी चील के पास चले जाते हैं। नहीं नहीं चील दीदी, हम मकई लेने नहीं आए, बल्कि हम ऐसी बारिश में आपका एक संदेश लेकर आए हैं। संदेश? कैसा संदेश? दीदी, मैं कल रात सोई हुई थी कि आपकी माँ जी मेरे सपने में आई। माँ? मेरी माँ आई थी तुम्हारे सपने में? हाँ दीदी, और आपकी माँ जी ने कहा कि वो आपसे मिलना चाहती हैं। मेरी माँ तो कब से मर गई है? ऐसा कहते हुए वो चील रोने लग जाती है। बहुत जालम थी वो बग्गी चील, मुझे अच्छे से याद है। मैं और माँ जी बैठे हुए थे कि उस बग्गी चील की मेरी माँ से लड़ाई हो गई और उसने मेरी माँ को मार दिया। सुने तो चील दी, आपकी माँ जी ने मुझे सपने में आकर बताया कि आपकी माँ जी दूसरा जन्म लेकर वापस इसी जंगल में आ गई हैं और इस बार वो एक तोते के रूप में आई हैं। तोते के रूप में? तो क्या ये मेरी माँ जी हैं? नहीं नहीं, वो तोता तो मुझे भूल गया। चिड़िया, कहाँ रहता है वो तोता? इससे आगे का सपना तो मैं आज देखूंगी, फिर ही मुझे पता चलेगा कि दीदी की माँ जी तोते के रूप में कहाँ रहती हैं। मैं भी अपनी माँ से बहुत उदास हूँ। चिड़िया, मुझे किसी तरह बता दो कि मेरी माँ जी तोते के रूप में कहाँ रहती हैं। मैंने बहुत कोशिश की सोने की कि मुझे नींद आ जाए और आगे का सपना पूरा हो जाए और मुझे पता चल जाए कि माँ जी कहाँ रहती हैं, परंतु मुझे भूखे पेट नींद ही नहीं आ रही थी। अच्छा, तो जब बरसात रुके तो कुछ भोजन खाकर आप सो जाना और बाकी का जो सपना रहता है वो देखकर चील दीदी को बता देना कि दीदी की माँ जी तोते के रूप में कहाँ रहती हैं। अगर ऐसा है तो आप मेरी मकई से कुछ मकई ले जाएं और पेट भर कर गहरी नींद सोकर फिर से बाकी का सपना देखकर मुझे बताना कि माँ जी कहाँ रहती हैं। नहीं नहीं चील दी, आपकी मकई हम नहीं लेकर जाएंगे। आप ले जाएं, मेरे पास ये मकई मेरी जरूरत से ज्यादा है। बस आप जल्दी से अपना सपना पूरा करें। अगर आप जिद कर रही हैं तो हम कुछ मकई ले जाते हैं। और हाँ दीदी, जब आपकी माँ जी मेरे सपने में आएंगी तो तुरंत आपको आकर बता जाऊंगी। फिर चिड़िया, कबूतर और तोता चील के मकई के खेत से कुछ मकई लेकर वापस हो लेते हैं
बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंकल अंकल, मुझे भूख लगी है, मेरी मम्मा कब आएंगी? आपकी मम्मा आपके लिए भोजन लेने गई हुई है, वो आने ही वाली होंगी। अंकल, ये बारिश कब रुकेगी? मुझे बादल की गरज से बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है, ये तो बादल अंकल के हंसने की आवाज होती है। अच्छा, तो बादल अंकल इतने जोर से हंसते हैं? बादल होते जो इतने बड़े हैं, तो फिर उनके हंसने की आवाज भी इतने ही जोर की होगी। ऐसे ही चिड़िया, कबूतर और तोता भी घर पहुंच जाते हैं। वो थक गए थे, परंतु वो बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने अपने और अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढ लिया था। मकई, ऐसी बारिश में नरम नरम मकई खाने का तो मजा ही आ जाएगा। कव्वे, तुम क्या जानो कि ये मकई हमने कैसे हासिल की है? अब चील दीदी की माँ का बाकी वाला सपना कौन देखेगा? ऐसा कहते हुए वो सब दोस्त हंसने लग जाते हैं और फिर वो बारिश के कुछ दिन उस मकई को खाकर गुजारते हैं।